हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आपको जो चैलेंज आता है ना, आपको एक कार्ड मिलता है कुछ मिशन पूरे करके, मैच खेल के कुछ, तो उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जो जो कार्ड्स होते हैं इनकी पावर बहुत ज़्यादा होती है दूसरे कार्डर से जो आपको नॉर्मल मिलते हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जे देखिए, मुझे सोनिया ब्लेड मैंने मुझे ऐसे ही मिली थी, कॉम्बेट कप सोनिया ब्लेड मिली थी, तो उसकी पावर है जो वो दूसरे कार्डर से, जो दूसरे प्लेयर्स हैं उससे कुछ ज़्यादा है। तो मैं मैचेस के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि आपको कितनी पावर चाहिए मैचेस को पूरा करने के लिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर आप नए चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस, ये हर मैच पे, हर किसी चैलेंज पे काम करेगा काम। आपको यहाँ पे कोई भी करेक्टर मिल रहा है तो जिस जो क्राइटेरिया है वो सेम रहेगा। जो पहले 12 मैच है जिस पे लिखा है ब्रॉन्ज करेक्टर्स ओनली, उसके लिए आपको ब्रॉन्ज करेक्टर चूज करना पड़ेगा। और आपके करेक्टर्स की जो पावर होगी और हेल्थ होगी, अगर वो 2000 प्लस होगी तो आपका काम 12 मैचेस के लिए आसानी से चल जाएगा। तो दूसरे नंबर पे जहाँ पे लिखा है सिल्वर एंड ब्रॉन्ज करेक्टर ओनली, जो नंबर 2 है, उसके लिए भी आपको जो आपके सिल्वर और ब्रॉन्ज करेक्टर है 2200 के बीच में, अगर आपकी पावर होगी और हेल्थ होगी तो आपका काम चल जाएगा दूसरे लेवल के लिए भी। तो आते हैं तीसरे लेवल पे। तो तीसरे लेवल के लिए जो सिल्वर करेक्टर्स ओनली है, उसके लिए जो आपकी पावर है वो आपको 3000 से 3500 चाहिए। अगर आप 3500 मान के चलिए कि 3500 है, तो आप आसानी से ये 12 मैच जीत लेंगे। तो आपको तीन करेक्टर ऐसा तैयार करना है जिसका लेवल हेल्थ और अटैक 3000 3000 प्लस हो, तो आप ये तीसरा लेवल भी आसानी से पूरा कर लेंगे। और जो चौथा लेवल होता है उसमें ये कुछ क्राइटेरिया होता है, जैसे कि इसमें लिखा है कि ओनली आउटर वर्ल्ड करेक्टर्स। तो जो चौथा लेवल है दोस्तों, उसके लिए आपको 5000 प्लस आपके कार्ड्स की पावर और हेल्थ चाहिए, क्योंकि उसमें क्राइटेरिया भी होता है और उसमें पावर रिडक्शन भी होता है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पावर चाहिए, क्योंकि आप मैच देखिएगा आपकी पावर कम होती जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा पावर चाहिए होगी दूसरे बंदे को, अपने ओपोनेंट को हराने के लिए। तो तभी आपको बोल रहा हूँ कि आपको 5000 प्लस पावर चाहिए। और दोस्तों, ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैंने क्या किया है ना, मैं जो जैसे कि 12 मैच होते हैं एक पार्ट में, तो मैं जो 12वां मैच होता है उसके जो ओपोनेंट की कार्ड की हेल्थ होती है और उसका अटैक होता है उसको देख के आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि वो सबसे टफ होता है उस लेवल पे। तो उसको देख के बोल रहा हूँ कि आपको उससे ज़्यादा लेवल की चाहिए, तो आप लेवल को आसानी से पार कर सकते हो। अगर आपने ये काम कर लिया जो मैंने आपको बताया है, तो कौन सा भी करेक्टर हो आप उसको बहुत ही आसानी से ले सकते हो। और ये पूरे के पूरे जो पांच उसके स्टेप होते हैं उसको आसानी से आप पार कर सकते हो और आपको करेक्टर जल्दी से मिल जाएगा। ये जस्ट नॉर्मल डिफ़िकल्टी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद मैं आपको ऐसे भी बताऊंगा कि जो करेक्टर्स होते हैं वो आपको कैसे चेक करने हैं, कि कौन से करेक्टर, वो तो ऊपर लिखा होता है कि आपको, लेकिन अपने कार्ड कलेक्शन में कैसे उसको चेक करना है। जैसे कि इसमें अभी लास्ट वाला कार्ड जो बोल रहा है वो मेरे पास नहीं है, तो ये मैं इसको लेवल को पूरा नहीं कर सकता। वो आपकी किस्मत पे है कि आपके पास वो करेक्टर होगा तो आप उसको कर सकते हो। कि कई बार लिखा होता है कि किसी स्पेशल करेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है लेवल 4th में भी, कि इस कार्ड, ये वाला कार्ड आपका, आपकी टीम में होना ज़रूरी है, तभी ये आप 12 मैच खेल सकते हो। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको कार्ड वगैरह कैसे चेक करने हैं अपने कार्ड के कलेक्शन में। तो चलिए अपने कार्ड में चलते हैं। कार्ड में जाने के बाद आपको क्या करना है, नीचे जो फिल्टर लिखा है उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्लास पे क्लिक करना है और यहाँ पे सारा लिखा होगा, जैसे कि आउटर वर्ल्ड के करेक्टर्स आपको यहाँ पे आ जाएंगे, और कि कौन कौन से कार्ड, आपको पता चल जाएगा कि आप कौन कौन से कार्ड यूज़ कर सकते हो अपने मैच के लिए। और अगर कहीं पे लिखा होता है कि स्पेशल ऑप्स, तो आप स्पेशल ऑप्स के कार्ड यहाँ से देख के चूज़ कर सकते हो।
कि कौन कौन से आपके कार्ड हैं जो वो स्पेशल ऑप्स हैं। आपको एक एक करके देखने की ज़रूरत नहीं है, आप इनको सेलेक्ट कर सकते हो और अपना मैच खेल सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच वीडियो